सो फाइनली वी आर इन दिस एलीट i20, जिसके बारे में मैं आपको शायद बाहर का व्यू भी दे सकता था। ये गाड़ी चली है 37,020 किलोमीटर। तो ये सबसे अच्छा फीचर है इस गाड़ी का विद द रिवर्स पार्किंग कैमरा। तो मैं पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूँ या पहले सीधा फीचर बताना शुरू कर दूँ? तो चलो कैमरे के बारे में बता ही देते हैं। अब देखो ये स्टेयरिंग के साथ में इसकी लाइन घूम रही सबसे ज़्यादा, एंड दिस इज सो सेंसिटिव। मतलब ये आधा स्टेयरिंग घुमा, मतलब थोड़ी थोड़ी मूवमेंट हुई, देखो लाइन थोड़ी मूव कर रही, विच इज़ वेरी गुड एंड विच शो दैट इट इज़ सो गुड इन क्वालिटी एंड एवरीथिंग एंड इन डिटेल्स। और लेट मी टेल यू, दिस इज एक्चुअली द बेस्ट कैमरा एंड रियर पार्किंग थिंग। मतलब सबसे ज़्यादा आसान लगा मेरे को इसमें रियर पार्किंग कह लो या रिवर्स करना गाड़ी को। बिकॉज आपको नॉर्मली क्या होता था कि ऊपर शीशा है कहीं और कैमरा, जैसे मैंने डिजायर में नीचे कैमरा लगाया हुआ, या नॉर्मली भी आजकल जितने इंफोटेनमेंट सिस्टम हैं उनके कैमरा नीचे लगे हुए हैं, या यहाँ पर उनकी स्क्रीन लगी हुई है, यहाँ पर उनकी डिटेल आती है। तो जितने भी नॉर्मल कैमरा जिसमें आप रियर पार्क करते हो, चाहे होंडा सिटी है या मारुति का इंफोटेनमेंट सिस्टम है, तो उसमें बेसिकली आपका एक ये शीशा है जहाँ पर पीछे देख सकते हो, एक ये डिस्प्ले हो गया कैमरा वाला पीछे देख सकते हो, और साथ में दोनों अलग अलग हो गए। तो नॉर्मली जब रिवर्स करते हो आप ऐसे ऐसे करते रहते हो कि मैं कैमरा में देख लूँ बंपर का व्यू, नीचे देख लूँ सॉरी कैमरा में देख लूँ बंपर का व्यू, ऊपर से देख लूँ कि पीछे ऊपर से तो नहीं कोई आ रहा, उधर देख लूँ लेफ्ट साइड, उधर देख लूँ राइट साइड। बट दिस इज सो वाइड एंगल एंड सो क्लियर, और इतना एप्ट है इसका स्क्रीन एरिया सारा कुछ। अभी पीछे कार्स वगैरह नहीं है, नहीं तो मैं अपने घर पर, जैसे मैं घर गली के एंड में रहता हूँ तो वहाँ से हर बार गाड़ी रिवर्स करके लेके जाता हूँ। सो इट वॉज सो ईजी टू रिवर्स दैट आई ओनली हैव टू सी ओनली एट दिस एरिया, सिर्फ ये देख रहा था मैं और लाइन्स को फॉलो कर रहा था, और लाइन्स के पाथ के हिसाब से मैं स्टीयरिंग को भाग-भाग के चेंज कर जा रहा था। ओनली बाय फॉलोइंग द लाइन्स आई वुड ईजिली रिवर्स। आई मतलब स्पेशली नोटिस कि मुझे लेफ्ट शीशे पे देखने की जरूरत नहीं पड़ रही, राइट पे देखने की जरूरत नहीं पड़ रही, और इधर भी नहीं जरूरत पड़ रही, बट इधर पड़ेगी भी तो ये सबकॉन्शियसली आप साथ साथ ही देख पाते हो। सो दिस इज एक्चुअली द बेस्ट रिवर्सिंग गियर दैट आई हैव एवर सीन। सो दिस इज i20 एलीट स्पोर्ट्स वेरिएंट। ये ली थी आई थिंक मतलब 1.5 साल हो गया होगा, मे बी 2016 की गाड़ी है। सो हुंडई की सबसे खास बात, हुंडई की दो तीन चीज़ें तो सबसे स्पेशल है। नंबर वन, अब आई एम इन द मिडल वेरिएंट कहने को, बट दूर दूर तक मैं इसको मिडल वेरिएंट नहीं कह सकता, बिकॉज इट हैज लॉट ऑफ फीचर्स, मतलब भरी हुई है बस फीचर्स के साथ। मतलब हर एक चीज़ इसकी इतनी टॉप नॉच है, आप इंटीरियर में बैठ के एक्चुअली कभी निकाल ही नहीं सकते। मतलब कि ऑनेस्टली जहाँ पर दूसरी गाड़ियाँ हैं जो कभी ना टॉप मॉडल के लिए कोई ना कोई ऐसे फीचर्स रख ही देती हैं सो दैट यू आर टेम्प्टेड टू टेक द टॉप मॉडल, बट इन्होंने क्या करा, अलॉयज रखे हैं और क्या रखा है, अब तो i20 फेसलिफ्ट आ गई है, बट मतलब एक अलॉयज से टॉप मॉडल में एक मैं भूल ही गया, एक रियर वाइपर था और एक दो छोटी मोटी चीज़ें थी। रियर वाइपर शायद अभी भी है, मे बी नहीं नहीं है इसमें, तो एक रियर वाइपर था और एक तो बहुत बहुत बारीक चीज़ें हैं, मतलब यू कैन ईजिली वर्क योर वे अप विद दिस स्पोर्ट्स मॉडल ऑल्सो, बट क्योंकि बहुत लोगों को लाइट भी चाहिए होते हैं तो इसलिए एस्टा भी बहुत लोग ले लेते हैं। सो देखो कंपनी का ऑलरेडी टॉप मॉडल भी बिक ही जाता है, तो एटलीस्ट जिन्होंने मिडिल वेरियंट लेना है उनको कम से कम फीचर्स के लिए रोना पिटना ना डालें, फीचर्स उनको दे दें। सो वी हैव दिस, ये फोल्डेबल शीशे हैं, सब कुछ इतना हैंडी है, एर्गोनॉमिक्स के मामले में हर एक चीज़ के मामले में दे आर सो गुड। मतलब स्टीरियो इज वेरी ईजी, और ये भी टच स्क्रीन है टॉप वाले मॉडल में, तो स्टीरियो के मामले में मतलब ऑल द बटन आर सो क्लियर एंड इन योर फेस, द क्वालिटी ऑफ द बटन इज वेरी गुड, द ऑटो एसी कंडीशन इज वेरी गुड। इसके अंदर क्लीन एयर का फीचर है जो जब से फ्लूडिक वरना आई थी तब से है, विच इज वेरी गुड। जब आप इसको ये वाला मोड चेंज कर देते हो, एक सेकेंड, अब मुझे याद नहीं कि कैसे करते थे, सर्दियों में ज़्यादा यूज करते हैं हम, मे बी आई थिंक ऐसे अपना भी आता है बिकॉज दिस इज द फ्रेश एयर वाले एरिया ओपन कर रहा है। तो नीचे एक चार्जिंग सॉकेट है, एक USB लगाने के लिए अलग से है, ऑक्स लगाने के लिए अलग से है, यहाँ पर भी दो कभी होल्स जहाँ पे आप सामान रख सकते हो, दिस इज ऑल्सो वेरी बिग एरिया, फोन तो आपका मोस्ट प्रॉब्ली यहीं जाने वाला है। राइट साइड पर भी यहाँ पर भी एक जगह है सामान रखने की, नीचे पूरी ये देखो बड़ी बॉटल रखी है, बड़ी बॉटल रखने के लिए जगह है, एंड देन इधर नॉर्मल आप अपने नैपकिन वगैरह रख सकते हो, सेम वे ऑन दैट साइड। एंड इधर इसके साथ ये एक आर्मरेस्ट भी दिया हुआ है, आम नॉर्मली आर्मरेस्ट भी ज़्यादा टॉप मॉडल्स में रहते हैं, मतलब इवन इन कार लाइक ब्रेजा, मतलब ZDI तक में उन्होंने आर्मरेस्ट नहीं दिया ना, ZDI प्लस में है। सो वही बात कि Hyundai कभी भी इस चीज़ में यार कमी नहीं छोड़ता, मतलब आप जॉनसन मर्दी वेरिएंट लो, आपको ऊपर वाला वेरिएंट देखे बिना लगेगा नहीं कि अच्छा इसमें कुछ कमी भी है, एज लॉन्ग एज आप बेस वाला नहीं ले रहे हो, इवन इन वरना भी। सो लेट अस स्टार्ट दिस ड्राइव, द डायल्स आर अमेजिंग, एवरीथिंग अबाउट दिस इज सो अमेजिंग। अब दे आर ऑलरेडी यूजिंग दिस ब्लू लाइट, अब ब्लू लाइट भी बहुत कम कार यूज कर रहे हैं, जबकि ब्लू एक्चुअली बहुत सारी एम्बियंट लाइटिंग या एक मतलब पूरा माहौल सा बनाने के लिए बहुत अच्छा एक क्लब टाइप या लॉन्च टाइप सा फील होता है, सो दिस इज अ वेरी गुड कलर दैट दे यूज। एंड अदर देन दैट सामने वाले डायल्स भी दे आर सो सटल एंड सो ब्राइट साइड, मतलब कि दे फील वेरी क्लासी, एंड कहीं ना कहीं आई थिंक दे आर सिमिलर टू ऑल द Hyundai's, मतलब आई फील वेरी स्ट्रांगली कि आई थिंक सेम ही है सारे। और सेंटर में डिजिटल मीटर है, वो चल रहा है, फ्यूल मीटर, ये हीट वाला मीटर बिल्कुल साथ में है, मतलब एवरीथिंग अबाउट दिस कार लुक्स वेरी अप मार्केट, मतलब
मतलब अगर आप बिलिनो से कंपेयर करो, जैज से कंपेयर करो, दिस हैज डेफिनेटली गॉट द बेस्ट 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 इंटीरियर्स। सो हम खराब सड़कों से निकल रहे हैं, जो हुंडई की खास बात है कि बहुत आराम से निकल जाते हैं। सो हुंडई की खास बात यह है कि दिस इज एक्चुअली वन ऑफ द बेस्ट कंपनी, जो सबसे ज्यादा ख्याल अपनी राइड क्वालिटी भी देती है। खराब सड़कों से गाड़ी चलाने के लिए अगर आपको कोई कार चाहिए तो देर इज नो 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 बेटर कार देन अ हुंडई। सबसे इजीली, सबसे सॉफ्टली स्प्रंग और सबसे बढ़िया से निकल जाती हैं। बट इसका माइनस पॉइंट अब तक क्या था, जो मेरे को क्रेटा में देखे लग रहा है कि धीरे धीरे नाउ दे आर फोकसिंग, वो भी रिमूव करना है। अब तक क्या था कि हाईवे पर जाके स्टेयरिंग फीडबैक उतना अच्छा नहीं आ पाता था। शहर के अंदर इट इज द स्टेयरिंग इज वेरी लाइट, फीडबैक इतना कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रिसीजन इसमें नहीं है फीडबैक, ऑब्वियसली मैं कह रहा हूँ फील उतनी नहीं आती है। बट एक बार आप चलाने लग जाओ तो आप कहीं ना कहीं आपको आदत पड़ी जाती है। बट इफ़ यू कंपेयर इट विद अदर कार, सो डेफिनेटली आपको इसमें फील फीडबैक सबसे कम लगेगी। होंडा का कुछ ओवरली लाइट है, मारुति का स्टेयरिंग हमेशा बेस्ट बैलेंस होता है, बट होंडा का स्टेयरिंग का लाइटनेस ही बड़ी अलग सी लाइटनेस है। मतलब पीपल आर फॉन्ड ऑफ होंडा स्टेयरिंग टू मच, तो वो उसकी खास बात है ही है। अदर देन दैट लेट अस, यार उधर लेना था बट फिर आपने कहना था रैश ला रहे हो, इधर ले लें टर्न, देखी जाएगी। चलो लेट्स सेकेंड गियर पे फुल थ्रॉटल, खींचो 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 खींचो। सामने स्विफ्ट जा रही है। अब यार मेरे बेस्ट फ्रेंड ने स्विफ्ट ADS लिया है ZDI, जो उसके डायनामिक्स के हिसाब से कहीं ना कहीं आपको अंडर पावर फील हो जाती है। ओके, सो टू मेजर थिंग्स फॉर द फीडबैक। नंबर वन, अब ये मैं इस पिकअप वाले चीज से नहीं कह रहा, ये नॉर्मली मैं ड्राइव कर रहा हूँ थोड़े दिनों से गाड़ी, तो उसके हिसाब से कह रहा हूँ कि इस गाड़ी के अंदर पावर बहुत अच्छी है, पिकअप बहुत अच्छी है। बट सबसे बड़ा इशू है कि इसकी ड्राइवेबिलिटी में एक इशू आ जाता है कि इसमें टर्बो लैग जरूरत से थोड़ा सा ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल मारुति के जितने फीएट के डीजल इंजन है उन सब में टर्बो लैग है, बट उनका टर्बो लैग ऐसा है कि जब तक वो टर्बो वाले रेंज में नहीं जाते तब तक भी आप उसको इजीली ड्राइव कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप मॉडरेटली स्पीड पे अपनी गाड़ी को ड्राइव करना चाहते हो तो आप मारुति की गाड़ी को बिना टर्बो वाले एरिया में डाले बहुत आराम आराम से गियर बदल के लेके जा सकते हो, तो आपको कभी ये नहीं लगा कि अंडर पावर्ड है। बट इसमें प्रॉब्लम ये है कि जब तक ये टर्बो एरिया में नहीं आती उससे पहले ये मरी मरी ही लगती है, तो ये बहुत बड़ा इशू है। मतलब इसका क्या कहते हैं टॉर्क कर्व कह लो या क्या कह लो, बट अनलेस अंटिल यू डोंट गो इनटू द टर्बो जोन तब तक इट फील्स अ लॉट मोर पावरलेस देन अदर कार्स व्हिच हैव टर्बो लैग। सो दैट इज द बिग इशू, बट वंस इट इज इन द टर्बो जोन इट जस्ट फ्लाइज अवे। नंबर टू, एक सेकंड यार, एवरीथिंग अबाउट द इंटीरियर, द टच फील अबाउट प्लास्टिक, ये वो फलाना नमकाना लीवर देन ये वाले अमेजिंग। नाउ सेकंड थिंग इज दिस कार इज सिक्स गियर्स। सो सिक्स गियर्स नॉर्मली कंपनीज क्या करती हैं, ज़्यादा गियर इसलिए डालती हैं ताकि उससे फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ती है, ताकि उनकी रेशो थोड़ी कम हो सके, और आप जब ज़्यादा स्पीड पे हो तो आप जो फाइनल वाला गियर है आप उस पर क्रूज कर सको और आपके इंजन कम RPM पे आपको ज़्यादा स्पीड दे पाए। बट कहीं ना कहीं i20 एज कम्पेयर टू देयर जैज एंड बलिनो वाले काउंटर पार्ट्स, इसकी माइलेज कहीं ना कहीं उतनी अच्छी नहीं आती है। कंपनी क्लेम तो है अच्छी खासी, बट मेरा फ्रेंड है बेचारा रोते रहता है, वो कहता है यार शहर में 14-15 ही आती है और मुझे तो लगता है माइलेज का इशू है। अभी भी उसने टैंक फुल करा के ट्रिप का मीटर ए पे रखा हुआ है बिकॉज वो एक्चुअली माइलेज ही काउंट कर रहा है। तो कहीं ना कहीं करेक्ट माइलेज आएगी अगर वीडियो अपलोड करने से पहले, तो आई विल डेफिनेटली शेयर इन द कमेंट्स और द डिस्क्रिप्शन। एंड अदर देन दैट, टर्बो लॉक के इशू के कारण जब आपको 6 बार गियर बदलना पड़ता है तो इट इज लाइक पेन इन द एस बिकॉज आपको गियर ज्यादा चेंज करने पड़ते हैं। कैसे खड़े भाई, लाइटें तो जला लो, लाइटें। अब देखो जहां तक ब्रेक्स की बात है, ब्रेक्स के अंदर थोड़ा वुडन सा फील है, और दिस इज नॉट द फेसलिफ्ट i20, पिछली i20 तो थोड़ी वुडन सी फील है। मतलब रुक तो जाती है गाड़ी बट कहीं ना कहीं वो फील नहीं आती। मतलब ब्रेक मतलब अचानक ही जैसे कभी, मतलब आपका पैर दबरा अचानक ही बिल्कुल लगेगा कि बिल्कुल ही बज गई ब्रेक, तो वो आदत डालने में थोड़ा सा टाइम लगता है। एक बार डल जाए तो ठीक है, बट इन पैनिक सिचुएशन या कहीं पर आप यूज टू होना चाहे या बहुत एंथुजियास्टिक ड्राइविंग के लिए, दिस थिंग एक्चुअली गिव्स यू अ लॉट ऑफ इशू। मतलब पॉइंट इज, अगर आप बहुत ज़्यादा प्रिसीजन से चलाने वाले एंथुजियास्टिक ड्राइवर हो, अब फॉर एग्जाम्पल लेट मी टेक दिस कट, मैं हैंड ब्रेक दबाने लगा था फिर मैंने कहा बोलोगे, अब इट हैड अ लॉट ऑफ बॉडी रोल बिकॉज ऑफ द शॉर्ट सस्पेंशन एंड गुड राइड क्वालिटी। फॉर इतना स्टीप कॉर्नर काटना थोड़ा इस गाड़ी के लिए मुश्किल है एट हाई स्पीड्स एंड विद दैट स्पिरिटेड ड्राइविंग थिंग। अब सामने ट्रक का राइड, इट्स अ वेरी बैड कॉर्नर, लेट मी सी व्हाट हैंड ब्रेक कैन डू। आराम से निकल के आपको पता नहीं चलेगा मैंने गियर वर्क वगैरह कैसे करा है, बट हैंड ब्रेक के साथ आई कैन कंट्रोल द कार इन अ वेरी बेटर वे। बट आप भी धीरे धीरे प्रैक्टिस करना। तो दिस इज अ गुड थिंग अबाउट दैट कार की सस्पेंशन इज वेरी सॉफ्ट एंड कंफर्टेबल एंड एवरीथिंग। स्टीयरिंग रिस्पॉन्स एक पॉइंट पे जाके आपको लगता है कि थोड़ा नंब है, बट अदर देन दैट इट इज गुड इनफ। और अब क्रेटा में ये इंजन चलाने के बाद इसको आप अंडर पावर तो बिल्कुल नहीं कह सकते। और दूसरी बात, जब आप हाईवे पे इसको बहुत ज़्यादा भगाते हो, लेट मी सी अगर मैं इसको भगा सकता हूँ या नहीं भगा सकता।
अगर हाईवे पे इसको बहुत हाई स्पीड से भगाते हो तो एक ना गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी होती है जो मतलब बिल्ड क्वालिटी कह लो या द वे इट हैज बीन पुट टुगेदर जो आपको एक स्टेबिलिटी की फील देती है। गियर बहुत जल्दी स्लॉट में जाते हैं, कहीं ना कहीं मुझे इसका क्लच हैवी लग रहा है बिकॉज ऑफ इट लॉन्ग यूजेज। मतलब मेरा फ्रेंड भी बता रहा था यार कि मेरे को लग रहा है मेरा शायद पैर दुख रहा है या कोई इशू आ रहा है कि इसका क्लच चेंज कराने वाला है। और ये काफ़ी सारे लोगों ने बोला कि उनका क्लच बहुत जल्दी वियर एंड टियर कर जाता है ह्यूंडई में। आई डोंट नो इफ इट इज ट्रू और नॉट, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। ये भी मुड़ गए भाई साहब, अब आई एम इन फिफ्थ गियर 100, अब यहाँ से सिक्स डाल रहा हूँ ऑटोमेटिकली। अब देखो 100 पे ये और कम आरपीएम पे आ गया, बहुत बड़ी जंप बच गई थी बिकॉज ऑफ द सॉफ्टली स्प्रिंग सस्पेंशन। अब जब हाई स्पीड स्टेबिलिटी की बात कर रहा था, इस गाड़ी में क्या कि आपको शायद स्टेयरिंग उतना फीडबैक ना रहा जब आप ज़्यादा स्पीड पे हो, तो स्टेयरिंग भारी भी हो जाता है लेट मी टेल यू दिस, बट जब आप बहुत ज़्यादा स्पीड पे होते तो शायद उतना स्टेयरिंग आपको प्रिसीजन नहीं दे पाता। बट गाड़ी की जो चैसी है एंड द गाड़ी का वेट है जो मर्जी है, मतलब हाई स्पीड पर कहीं ना कहीं गाड़ी आपको ऐसे फील होता है कि जम के चल रही है, सड़क को पकड़ लिया है, मे बी बिकॉज ऑफ द वेट और आई डोंट नो वॉट, जो कि स्विफ्ट या डिजायर वाली गाड़ी में नहीं फील होता, बलिनो में फिर फील हो जाता है। अब दैट इज़ वाई बलिनो इज स्टिल अ प्रीमियम कार और उसके अंदर जितना भगाते हो वो फिर भी स्टेबल हो जाती है, बट स्विफ्ट और डिजायर में पता नहीं मेरे को क्यों लगता है कि वो मतलब जैसे आप स्पीड पकड़ते हो तो कहीं ना कहीं वो मतलब हवा खाने लग जाती हैं या काइंड ऑफ दे फील मोर लाइटर वैन दे पिकअप स्पीड्स एज कम्पेयर टू दिस कार विच एक्चुअली फील मोर हैवियर। या इवन क्रेटा भी मेरे को काफ़ी अच्छी लगी कि वो जमने लगी है। इको स्पोर्ट तो इस चीज़ में बहुत ही अच्छी है हाई स्पीड स्टेबिलिटी में, सो दिस इज अ वेरी गुड पॉइंट जो इस चीज़ में अच्छा, तो इट ऑलवेज गिव्स यू अ प्रीमियम एंड प्लस फील। अदर देन दैट आई थिंक फीचर्स वगैरह सारे ही हैं, आई कैन नॉट सी ऑफ एनीथिंग दैट इज मिस्ड हियर। अब सी नाउ ऑटो डिमिंग वाला किसी हैचबैक में एक मिडिल वेरिएंट में आ रहा है ये वाला ऑटो डिमिंग वाला मिरर, ये तो वेरी बिग थिंग, नहीं तो इतनी गाड़ियां तो मतलब ये देती नहीं है, बहुत सारी बड़ी बड़ी गाड़ियां भी नहीं दे रही आजकल। मतलब इफ सम कार इज गिविंग यू दिस एंड दैट इज हैचबैक, दैट मींस कि वो कितना टेंशन ले रहे हैं, कितना दे आर पर्टिकुलर अबाउट द डिटेल अबाउट कि आपको कैसा फील होना चाहिए कैबिन के अंदर। सो दिस इज अ बिग थिंग, मतलब आई एम टोटली नॉट एक्सपेक्टेड। बलिनो में ये टॉप वेरिएंट में आती है, ब्रेजा में नहीं आती है, मतलब ब्रेजा में तो दिन ही दिए उसमें भी नहीं आती है। और छोटी मोटी चीज़ें मतलब एर्गोनॉमिक्स में, जैसे मैं कह रहा हूँ कि आपके शीशे फोल्ड होने वाला बटन कहाँ पर है ये बहुत मैटर करता है कि आप उसको कितना यूज़ कर रहे हो। फॉर एग्जांपल इन कार्स लाइक होंडा सिटी या इन कार्स लाइक नहीं मैग्नम में तो है नहीं, जैसे होंडा सिटी वाली कार में बटन सामने है, WRV में साइड पे ही है, तो और ब्रेजा में भी सामने है, तो जिन गाड़ियों में ये वाला बटन जैसे शीशे फोल्ड होता है सामने की तरफ है, फीगो में भी सामने है, तो उसमें क्या होता है जैसे आप आराम से प्यार रैश चला रहे हो, अब या तो ना आपको उठ के आगे आना पड़ेगा या दूर तक जाना पड़ेगा, तो उससे आप थोड़ा सा अनस्टेबल सा हो जाते हो, हिल जाते हो। सो सबसे इजीली क्या सपोज करो अगर मैं रैश चला रहा हूँ मुझे लग रहा है कि मैं एक टाइट वाले एरिया से निकलने लगा हूँ, सो इट विल बी मोर इजियर कि मेरे बिल्कुल साथ में बटन है और मैंने साथ ही बटन दबा दिया और शीशे बंद हो गए और मैं और सेफली उस जगह से निकाल सकता हूँ, मैंने साथ ही फिर से खोल लिया। तो नॉर्मली मतलब जैसा आई नोटिस कि जिनके बटन दूर है शीशे बंद खोलने वाले वो लोग उसको बहुत कम और रेयरली यूज़ करते हैं, वो ड्राइव करते वक्त यूज़ नहीं करते, जब गाड़ी चलाते हैं तब खोल लेते हैं बंद करते हैं तो उस बटन से बंद कर देते हैं, उतने का ही फंक्शन है। बट दिस इज वॉट एर्गोनॉमिक्स डू कि अगर आप सही जगह पर उसको रख रहे हो तो आप उसको और ज़्यादा अच्छे से यूज़ कर सकते हो। दिस इज अ वेरी गुड थिंग दैट आई लव 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 अबाउट हुंडई एंड दिस इज वाई आई प्रेफर हुंडई टू ऑल दोज पीपल हु आर गुड अर्बन अमीर पीपल जो शहर में ज़्यादातर गाड़ी चलाते हैं और बाहर कभी कभी लेके जाते हैं, मतलब बाहर भी चलाते हैं तो फास्ट बड़ी अच्छी चली सकते हैं बिकॉज इंजन हैज अ लॉट ऑफ ग्रंट एंड लॉट ऑफ रिफाइनमेंट। दिस इज एक्चुअली द बेस्ट रिफाइंड डीजल इंजन एवर दैट यू कैन हैव, सबसे कम आवाज़ करता है, मतलब चाहे और जायद और मृतिक तो वैसे बहुत ज़्यादा आवाज़ करते हैं, तो एज कम्पेयर टू अदर इन द सेगमेंट ऑल्सो, और वैसे भी हुंडई का डीजल इंजन एक्चुअली इज वन ऑफ द बेस्ट। सो इन ऑल दोज थिंग्स दिस हैज गॉट फुल मार्क्स, सो वाई शुड बाय दिस कार, यू शुड बाय दिस कार इफ़ यू, या तो अगर आप ऑलरेडी अच्छी अच्छी गाड़ियाँ अमीर वाली हैं तो आप अगर छोटी कार लोगे तो सपोज करो अगर आप एक स्विफ्ट ले लेते हो तो आपको कहीं ना कहीं फील होगा यार कि बाकियों की ना प्रीमियमनेस ज़्यादा इस गाड़ी में ना, चाहे मैंने छोटी गाड़ी ले तो ली शहर में चलाने के लिए बट वो मज़ा नहीं आ रहा, सो आई डोंट एक्चुअली इज अ बेटर बाइक, बट इसमें डीजल में ऑटोमेटिक नहीं आता, सो यू विल फील मतलब आपको ऐसे लगेगा कि वायर ये भी बहुत प्रीमियम सा एक्सपीरियंस है। नंबर टू वाई शुड बाय दिस, अगर आप चाहे ये अकेली कार है जो आप ये लेना चाहते हो, यू शुड बाय दिस बिकॉज मतलब शहर में गियर बहुत इजीली बदलते हैं, इसके क्लच बहुत लाइट है, नो डाउट क्लच का वेयर एंड टियर मुझे लग रहा है कि 40,000 रुपये हो गया है, एंड दूसरा कि सस्पेंशन सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल है, मतलब सड़कों के ख़राब रस्तों के लिए इट इज़ द बेस्ट सस्पेंशन दैट यू कैन एवर गेट, एंड उसके अलावा जो इसकी लुक्स हैं, जो इसका स्टाइल है, नो वन गेट बीट द लुक्स ऑफ हुंडई इन एनी सेगमेंट, लेट मी टेल यू, मतलब बाहर से जितनी सुंदर हुंडई लगते हो कोई भी लगती है। एलीट i20 का फेस लिफ्ट के बाद मेरे को पता नहीं क्यों लगता है उन्होंने शायद थोड़ा गड़बड़ सा कर दिया, बट इवन देन इट इज स्टिल ओके। सो हुंडई को आप लुक्स के लिए तो लोगे ही लोगे, अदर देन दैट एवरीथिंग इज गुड, जो चीज़ें मैंने आपको बता दी वो ख्याल रखो कि अगर आप प्योर एंथुजियास्टिक ड्राइवर हो तो आई थिंक यू शुड लुक एट मोर अबाउट अ 4 फीगो मे बी,
बिकॉज स्विफ्ट आपको अंडर पावर लगती रहेगी, बलिनो भी अंडर पावर लगती रहेगी। पता नहीं यार ये स्विफ्ट और बलिनो वाले वाई डोंट दे पुट आउट डीजल के 90 bhp वाले वर्जन। मतलब अगर इंडिका विस्टा वो 90 bhp वाला इंजन डाल के हैचबैक निकाल सकती है, अगर फीएट पुंटो निकाल सकती है, तो पता नहीं आप क्यों नहीं निकालते यार। मतलब पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। आई नो कि आपको लगेगा कि बहुत कम लोग हैं क्योंकि सारे मारुति भाई बिना पावर देखे माइलेज देखे लेते हैं, बट यार हम जैसे लोग भी हैं यार, प्लीज़ 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 निकाल दो, वील लव टू बाई इट। एंड और सबसे ज़्यादा कि हमने और सुनने में आ रहा है कि मारुति एक नया डीजल इंजन बना रही है 1.5 लीटर का, जो ज़्यादातर वो हर गाड़ी में डाल पाए, दैट इज ऑल्सो 90 bhp समथिंग। और मुझे पता चल रहा है कि द मोमेंट दे विल मेक दैट इंजन, तो फीएट के सारे इंजन बंद हो जाएंगे। और ये न्यूज़ आ चुकी है ऑलरेडी कि 31 दिसंबर 2019 के बाद फीएट का इंजन वाली गाड़ियाँ मैनुफैक्चर होनी बंद हो जाएगी। सो अभी फीएट के दो इंजन मारुति में यूज़ हो रहे हैं, एक 90 bhp वर्जन, एक 74 bhp वर्जन, छोटी गाड़ी में 74, बड़ी वाली में 90। तो जब वो 1.5 लीटर वाला बना देंगे तो हर गाड़ी में वही डाल देंगे। सो आई एम एक्चुअली कीनली वेटिंग, मतलब इफ आई थिंक दैट स्विफ्ट आ जाएगी 90 bhp डीजल में, तो उसको भगा के बहुत 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 ज़्यादा मजा आएगा। एंड आई होप वो AGS में भी हो, तो इट विल बी अगेन अ बेटर बाय। सो आई होप मैंने आज जल्दी जल्दी फास्ट फास्ट बोल के वीडियो टाइम थोड़ा कम कर दिया है, आपको काफ़ी चीज़ें बता दी हैं और मौके की बातें करी हैं। और मैंने वो छोटी वाली अपनी फेस वाली वीडियो में नहीं डाली क्योंकि एक्चुअली फ़ोन का होल्डर मेरी कार में रह गया था, फ्रंट कैमरे वाला। बट प्लीज़ लेट मी नो हाउ योर एक्सपीरियंस एंड कैसा लगा। बाकी गाड़ी अंदर क्योंकि पुरानी कार है, आपको i20 का पता ही होगा कैसी है, एंड कोई पॉइंट नहीं था फीचर्स बताने का। मतलब इसमें सारे फीचर दिए हैं यार, ऑलमोस्ट ऑल फीचर्स दैट यू कैन एक्सपेक्ट इन द सेगमेंट, ऑलमोस्ट ऑल। और आई डोंट नो कि मैं ऑलमोस्ट में कौन सा मिस कर रहा हूँ। सो और क्योंकि फेसलिफ्ट वाली है तो एनी ऑफ फेसलिफ्ट में थोड़े नए फीचर्स होंगे। आई होप आई हैव टोल्ड यू दैट व्हाट इज द नेचर ऑफ i20 एंड हाउ इज दिस 40,000 i20 डूइंग। और जो इसके ओनर है वो उसकी बहुत लेते हैं गाड़ी की, तो वो खराब बहुत ज़्यादा ही खराब सड़कों से बहुत तेज से निकाल लेते हैं। उसके साथ ही मेरे को सस्पेंशन की क्वालिटी आवाज़ फिर भी काफ़ी लेवल पर ठीक लग रही है। सो आई थिंक इट इज़ डूइंग फेयरली वेल, द कार इज़ गुड एंड दे आर ऑल्सो प्रीटी हैप्पी विद द लुक्स एंड एवरीथिंग। सो टाटा चाओ।